धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 19/4/11 और आज का हेडिंग बहुत प्यारा है, बागवान हम रूहानी बगीचे को देख करके और हम चैतन्य फूलों की खुशबू लेकर के और हमें कह रहे हैं तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से सदैव रत्न ही निकालेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों के प्रति भगवान की कौन सी एक शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे? उत्तर है, और मीठे मीठे बाप दादा देखो हम बच्चों को क्या कहते हैं, कहते हैं, मीठे बच्चे, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से क्या करो? मीठे बाबा कहते हैं, नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा, और अपने को देखते रहो। हाँ, बाबा सिखला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहते हैं अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई भी विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देखो बाबा युक्तियाँ भी सिखा रहे हैं, हमें विधि भी बता रहे हैं कि संग दोष से कैसे बचो, तो मुख से सदैव क्या करना है? ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। हाँ, संग हमको देखना है, हम किसके संग उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं या फिर बातें करते हैं, तो इसीलिए हमें अपना संग चेक करना चाहिए। नंबर दो, खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करें? मीठे बाबा कहते हैं, अवगुणों को निकालते जाना है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज जो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहे, ये है उस समय की कमाल। किस समय की? मीठे बाबा समय बता रहे हैं, वो जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति नीचे खींचेगा, कभी कोई बीज नीचे खींचेगा, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। हाँ, तो श्रेष्ठ आत्मा में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसका बाबा ने वर्णन किया। तो आज का स्लोगन फिर है,
नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न के वार करने के बजाय हार खा लेंगे। हाँ, विघ्न हमारे ऊपर वार करने के बजाय क्या होगा, विघ्नों की हार हो जाएगी। इसीलिए हमें नॉलेज के आधार पर बाप को याद करके अपने में स्वयं में शक्तियाँ भरनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।